हेलो गाइस, तो अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन के स्क्रीन को अपने पीसी, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी में कास्ट करना चाहते हो, इसे स्क्रीन मिररिंग भी बोलते हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि ये कैसे करना है। और सिर्फ स्क्रीन मिरर ही नहीं, बल्कि आप अपने फ़ोन को बिना टच करे अपने पीसी से फुल्ली कंट्रोल कर सकते हो, एंड्रॉयड के गेम पीसी में खेल सकते हो बिल्कुल एम्यूलेटर की तरह। और ये गेमर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। सपोज आपके पास एक लो एंड डिवाइस है और उसमें गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लैग होता है, तो आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ उसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन में खेलकर पीसी में गेम प्ले रिकॉर्ड कर पाओगे हाई क्वालिटी में, वो भी साउंड के साथ। या जो लाइव के लिए स्क्रीन मिरर करना चाहते हो उधर भी ये अच्छे से काम करता है। एक और केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन टूटी हुई हो तो आप फ़ोन को पीसी से कनेक्ट करके सारा काम आराम से कर सकते हो। और ये सारा कुछ हम करेंगे एक सॉफ्टवेयर की हेल्प से जिसका नाम है स्टार्ज मिरर। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको पीसी ओपन करके गूगल पर सर्च मारना है स्टार्ज मिरर, या मैंने इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली उधर क्लिक करके डाउनलोड मार लेना। तो पहले वाले लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने इसका डाउनलोड सेंटर ओपन हो जाएगा। इधर आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में फुल नॉलेज भरी गई है, आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। फिलहाल हम सीधे डाउनलोड कर लेते हैं, तो डाउनलोड करके फटाफट इंस्टॉल मार लेना है। फिर सॉफ्टवेयर ओपन करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलते हैं। आईफोन को कनेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, एंड्रॉयड को वाईफाई से कनेक्ट करना हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पर, और एंड्रॉयड को यूएसबी से कनेक्ट करना हो तो थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ऑलराइट, तो पहले हम देखते हैं यूएसबी से एंड्रॉयड को कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें एक यूएसबी केबल, जो चार्जर केबल होता है वही यूज़ हो जाएगा। तो अपने फ़ोन को पीसी से कनेक्ट कर लेना है यूएसबी की हेल्प से। कनेक्ट होते ही अपने फ़ोन में फाइल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। एक इम्पॉर्टेंट बात, पीसी आपका फ़ोन तभी डिटेक्ट करेगा जब आपके फ़ोन का यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन ऑन होगा। और जिन्हें नहीं पता कि यूएसबी डिबगिंग ऑप्शन को ऑन कैसे करना है, उनके लिए मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डिबगिंग ऑन करने के लिए सिंपली अपने स्मार्टफोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है, उसमें डेवलपर ऑप्शन में जाना है, फिर यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। या आप सर्च मार के देख लेना आपके पास जो भी फ़ोन है उसका यूएसबी डिबगिंग कैसे ऑन करते हैं। तो यूएसबी डिबगिंग ऑन करते ही पीसी आपके फ़ोन को डिटेक्ट कर लेगा, उसके बाद सिंपली नीचे स्टार्ट टू कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके फ़ोन में एक पॉपअप आएगा, आपको सिंपली अग्री कर देना है और ऑटोमेटिकली स्टार्ट मिरर ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। फिर स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देना है, दैट्स इट, आपका फ़ोन कास्ट या मिरर हो जाएगा। आप देख सकते हो मेरा स्मार्टफोन मिरर हो चुका है और मैं अपने फ़ोन को बिना टच करे अपने लैपटॉप से फुल कंट्रोल कर पा रहा। आप देख सकते हो बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिल रहा, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा। अब देखते हैं वाईफाई से कैसे कनेक्ट करना है। तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करके अपने फोन में मिरर ऐप ओपन करके सामने जो क्यूआर कोड है उसे बस स्कैन करना है, दैट्स इट, और आपका फोन मिरर हो जाएगा, वेरी सिंपल। तो अब आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को दूर बैठे अपने पीसी या स्मार्ट टीवी में आराम से कास्ट कर सकते हो। अब गेमर्स के लिए कुछ हेल्पफुल चीज़ें बता देता हूँ। गेम तो आप आराम से साउंड के साथ रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट साइड में आपको रिकॉर्डिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके अलावा आप एम्युलेटर की तरह इससे अपने गेम को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये कैसे करना है मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। आप जो भी गेम खेलते हो उसका कस्टम एचयूडी ओपन कर लेना है, जैसे मैं फ्री फायर का ओपन कर लेता हूँ। फिर आप लेफ्ट राइट या अप डाउन मूवमेंट के लिए एक की असाइन कर सकते हो अपने कीबोर्ड से, फायर के लिए भी एक की असाइन कर सकते हो, माउस से भी फायर कर सकते हो, और इसकी हेल्प से आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूवमेंट कर सकते हो, जैसा कि अभी आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पर कितनी फास्ट मूवमेंट हो रही। तो इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप एंड्रॉयड गेम्स को भी आराम से अपने पीसी में खेल सकते हो। इस सॉफ्टवेयर की जो सबसे खास बात है कि आप इसकी हेल्प से एक साथ 5 डिवाइस को मिरर कर सकते हो, जो कि शायद ही किसी सॉफ्टवेयर में पॉसिबल होगा। तो अगर आप 5 लोग एक साथ मीटिंग करते हो तो आराम से इसे कनेक्ट करके एक साथ कर सकते हो। तो जब इतना सारा फीचर कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है तो जाहिर सी बात है सब फ्री में तो नहीं मिलने वाला। तो सॉफ्टवेयर को फुल्ली यूज़ करने के लिए आप मंथली, क्वार्टरली या ईयरली प्लान परचेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कूपन कोड भी दिया है जिसका यूज़ करोगे तो 30% ऑफ मिल जाएगा। तो जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके ट्राई करो इस कमाल के सॉफ्टवेयर को। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।